शिवाय प्रपंची, तुमने सदैव हमारे कार्यों में हस्तक्षेप किया है, हमारी योजनाओं को विफल किया है। हम बड़े हीरो को ना मार पाए परंतु तुम्हें अवश्य ही मारेंगे। कभी चूकते नहीं हैं। तुम सब पर बहुत कठिन समय आने वाला है। हम तुम्हें रुदन कीर्तन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, परंतु अवश्य ही लौटेंगे, और इससे भी बड़ी योजना के साथ। वीर, मेरे बच्चे, मेरे हीरो, ये तेरे लिए और उन दो छोटे छोटे हाथों के लिए जो बहुत जल्द तेरा हाथ थामने वाले। जब कभी भी मुझे मिस करो या मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं, तो ये याद रखना, ऊंचे ऊंचे मकान से देखना आसमान में, तारों का झुरमुट होगा, वहां तेरा पापा होगा। खुले मैदान में हर बागबान में बूढ़ा सा एक बरगद होगा, तेरा रास्ता ताकता होगा, वो भी तेरा पापा होगा। एक रोड लंबी सी जो दूर निगाह तक जाती होगी, लेट जाना आंखें मूंदे, वो रोड नहीं है लंबी सी, बाहें हैं तेरे पापा की, जिन्हें पकड़ के तू झूला होगा। तेरे साथ, तेरे पास हमेशा तेरा पापा ही होगा। You're back. अब आप आ गए हो ना, सब सॉर्ट हो जाएगा, देख लो।
जब मॉम है तो नो टेंशन वाला। रॉकी ब्रो, यार तू माने या ना माने ना, तू अपना भाई था यार। मामा जी, मामी, इस जन्म में तो रॉकी का जो सफर था वो ज्यादा लंबा नहीं था, मगर मैं वादा करता हूं अगले जन्म में रॉकी हम दोनों भाइयों के साथ स्वीटी मीटी और आप दोनों को ना बहुत तंग करेगा। वो सफर ना बहुत लंबा होगा और बहुत खुशियों से भरा होगा। जानता हूँ प्रकृति के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, मृत्यु जीवन सांस का आवन जावन सब एक नियत चक्र के हिसाब से चलता है। अन्याय न्याय ये सब कुछ इसी में समाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये जो इनजस्टिस है, ये जो अन्याय है, इसे न्याय में बदला जा सके? खुश होना चाहते हैं माँ जी, और उन्हें ये खुशी बिना किसी जख्म के, बिना किसी दुख के क्या नहीं दी जा सकती? क्या अमल नंदा को वापस जिंदा कर सकते हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।